हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कन्फॉर्मल मैपिंग के थ्रू कुछ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ट्रांसलेशन। ओके, यानी अगर डब्लू प्लेन के अंदर जो है किसी पर्टिकुलर कर्व की पोजिशन कहीं और है तो हो सकता है जेड प्लेन के अंदर वो कहीं और ट्रांसलेट हो जाए, यानी अपनी पोजिशन को चेंज कर दे। ओके, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन की बात करूँगा, द मैप, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। द मैप W इज इक्वल टू जेड प्लस के बीटा वेयर बीटा इज एनी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस लाइन का मतलब क्या है? आपके पास अगर कोई मैप इस तरीके से गिवन होगा, W इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा टाइप, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो सकता है, बीटा पॉजिटिव हो या फिर बीटा नेगेटिव हो। ओके, तो इस तरह का ट्रांसलेशन जो इस तरह का जो हमारे पास मैपिंग होगा उसको डायरेक्ट कहूँगा मैं कि ये जो मैपिंग है ये ट्रांसलेशन टाइप का है। यानी इस तरह के मैपिंग के अंदर अगर चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की पोजीशन चेंज होगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लेट ए रेक्टेंगुलर डोमेन आर बी बाउंडेड बाई एक्स इजिकल टू जीरो, वाई इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू टू, वाई इजिकल टू वन। हमारे पास सबसे पहले इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सपोज दैट दिस इज यूअर एक्स एक्सिस, दिस इज योअर ओरिजिन पॉइंट, दिस इज योअर वाई एक्सिस। क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर डोमेन है जो कि बाउंडेड है एक्स इजिकल टू जीरो से, वाई इजिकल टू जीरो है, एक्स इजिकल टू सपोज दैट टू ये है, एक्स इजिकल टू टू ये मान लो आप यहाँ पे, और सपोज दैट वाई इजिकल टू वन ये है। ओके, वाई इजिकल टू वन ये है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट, ये टू कोमा वन होगा, आपको भी दिख रहा है, ये रीजन बाउंडेड है इतना सा। ओके, ये आपके पास x इजिकल टू टू है, ये वाला है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द रीजन इन डब्लू प्लेन। अगर z प्लेन के अंदर सिचुएशन ये है तो इस मैप के थ्रू w प्लेन के अंदर इसका ग्राफ क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, हल करता हूँ। वी नो दैट क्या जानते हैं भाई हम, W इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है भाई, U प्लस आल्टा V, एंड Z इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है, X प्लस के आल्टा Y। मैंने दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, पुट करने के बाद मेरे पास U की वैल्यू डाली और Z की वैल्यू डाली, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन A है, W की वैल्यू डाली जो कि निकली U प्लस के आल्टा V इजिकल टू, Z की वैल्यू डाली X प्लस के आल्टा Y प्लस के वन माइनस के टू आयोटा। क्लियर है ना, बराबर करके लिखा मैंने यही कहीं, ये मेरे पास निकला यू प्लस के आयोटा वी इज इक्वल टू, इसके अंदर से मैंने रियल पार्ट वाले पोर्शन को एक तरफ करा, एक्स प्लस के वन प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा बेटा, ये बचा मेरे पास आयोटा जैसे ही मैंने कॉमन लिया वाई माइनस के टू, कितना बचा मेरे पास वाई माइनस के टू, यहाँ से बचा मेरे पास y माइनस के टू। मैंने कंपेयर किया रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल और इमेजनरी पार्ट को मैंने जो है ना क्या किया, कंपेयर कर लिया। जैसे मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने के बाद u की जो वैल्यू निकल करके आई मेरे पास, निकल करके आई बेटा x प्लस के वन, और v की जो वैल्यू निकल करके आई मेरे पास कितनी निकल करके आई, y माइनस के टू। ओके, अब मैं u की वैल्यू निकालता हूँ एक अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो मेरे को पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। मेरे को गिवन है x इजिकल टू जीरो दिए, गिवन है, ध्यान से देखना है, x इजिकल टू जीरो आपको गिवन है, y इजिकल टू जीरो गिवन है, और x इजिकल टू आपको टू भी गिवन है, और y इजिकल टू वन गिवन है। ओके, पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालो, वैन एक्स इजिकल टू जीरो, तो यू की वैल्यू कितनी निकली,
यू बराबर निकला 0 प्लस के 1 यानी निकल गया 1। वैन x इज इक्वल टू कितना है, दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो u इज इक्वल टू कितना निकला भाई 2 प्लस के 1, u इज इक्वल टू हुआ 3। दो वैल्यू मिल गई आपके सामने, ये दो वैल्यू मिली। कॉरस्पॉन्डिंग में w की u v की बात करता हूँ, जब y इज इक्वल टू 0 है तो v इज इक्वल टू कितना निकल रहा है बेटा, v इज इक्वल टू आ रहा है 0 माइनस के 2, बोले तो माइनस के 2 आ रहा है। जब y इज इक्वल टू 1 है तो v इज इक्वल टू कितना निकल रहा है बेटा, ये निकल रहा है 1 माइनस के 2 यानी माइनस के 1 निकल रहा है। क्लियर है ना, ग्राफ की बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना। हमारे पास u की दो वैल्यू निकली, u की पहले वाली वैल्यू कितनी निकली बेटा, u की एक वैल्यू निकली हमारे पास 1, u की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकली 3, v की भी दो वैल्यू निकली, v की पहले वाली वैल्यू कितनी निकली भाई माइनस के 2, और v की दूसरी वैल्यू निकली मेरे पास कितनी माइनस के 1। आपके सामने है, मैंने क्लियर कट करके सारे निकाल दिए, अलग से पेज ले रखा है ये। क्लियर, ग्राफ बनाने की बात करते हैं भाई। ये तो मेरे पास कौन सा प्लेन था, ये तो मेरे पास जेड प्लेन था। अब डब्लू प्लेन की बात करते हैं, ये होगा यहाँ मेरा डब्लू प्लेन, डब्लू प्लेन ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ध्यान से देखना। और इसके ऊपर ये U होता है और ये होता है क्या V। U की वैल्यू कितनी है, सपोज दैट 1 है, मान लिया ये मान लो आप, ये U की वैल्यू कितनी है 3 है, सपोज दैट 3 यहाँ है। क्लियर है ना, V की वैल्यू देखो माइनस के 1 भाई, V तो ऊपर पॉजिटिव चल रहा है, V की वैल्यू माइनस के 1 सपोज दैट ये है, V की वैल्यू माइनस के 2 सपोज दैट ये है। चारों लाइनें डालो आप, इधर से तो ये लाइन डालो, ऑटोमेटिकली ग्राफ निकल जाएगा, समझने की कोशिश करना आप। v इक्वल टू एक तो निकला ये, कितना निकला भाई, इधर से तो मेरे पास जो है सीधे का सीधा ग्राफ जो निकल करके आया बेटा, यहाँ से एक तो ये लाइन निकली, दूसरे वाली लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, यानी मेरे पास जो बाउंडेड एरिया निकल करके आया वो ये निकल गया ना। क्लियर, अर्थात फाइनल ग्राफ जो मेरा निकल करके आया बेटा वो ये निकल करके आया, अगर ये U है, ये V है और अगर ये W प्लेन है, ओके, मेरे पास ये निकल करके आया यहाँ से, ये सिचुएशन बनी। देखो आप इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ V इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1 है, यहाँ V इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2 है, यहाँ U इज इक्वल टू कितना है ये 1 है, ये u इक्वल टू कितना है 3 है। आपके सामने है ये वाला ग्राफ बना, बन गया ना। मैंने इसमें से सिर्फ इतना सा पोर्शन निकाला जो मेरा ग्राफ था, आपके सामने है। अब देखो बेटा, जो ये ग्राफ है और ये ग्राफ है दोनों सेम टाइप के हैं, सिर्फ ट्रांसलेट हुए हैं, ग्राफ की शेप चेंज नहीं हुई, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई मान लिया, हो सकता है कि एक ग्राफ सेम टाइप का अगर मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जेड प्लेन के, हो सकता है दूसरे वाला ग्राफ जो है वो थर्ड प्लेन में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए डब्लू प्लेन के अंदर, लेकिन शेप के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन ट्रांसलेट होगी। इसकी पोजीशन देखो आप और इस ग्राफ की पोजीशन देखो, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज ट्रांसलेशन ग्राफ और ट्रांसलेटेड। क्लियर है ना, और सिंपली ट्रांसलेशन यानी पोजीशन का चेंज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 2, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। सर इसी के अंदर जनरल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है रोटेशन, रोटेशन। अब रोटेशन की बात कर लेते हैं, देखते हैं रोटेशन क्या है और किस तरीके से रोटेट होगा, क्या इसका सिचुएशन है। मैंने क्वेश्चन इसका पहले से लिखा हुआ है, यानी अब की बार जो है रोटेशन ये होगा बेटा, आपके पास कोई ना कोई जो है डब्लू प्लेन के अंदर या जेड प्लेन के अंदर कोई ना कोई ग्राफ होगा, वो जैसे उसके आप डेटा एंट्री लोगे या आप जो आपको डेटा दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग वो ग्राफ थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, यानी उसके शेप के अंदर चेंज आ जाएगा। सपोज दैट मान लिया जाए कोई ग्राफ जेड प्लेन के अंदर, सपोज दैट ये मेरा जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, मान लिया इस प्लेन के अंदर कोई ग्राफ ऐसा है, सपोज दैट मैं सपोज कर रहा हूँ जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ, सपोज दैट डब्लू प्लेन ये मेरे पास दूसरा है डब्लू प्लेन, हो सकता है डब्लू प्लेन में जो है कर्व के अकॉर्डिंग अगर आपकी सिचुएशन इस तरह से आ जाए,
ओके, इसको बोलते हैं रोटेट होना, किसी भी एंगल पर कहीं भी रोटेशन हो सकता है। ओके चलो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी किताब का क्वेश्चन है कि सपोज दैट W इज इक्वल टू है Z इंटू ई की पावर आल्टा पाई बाई फोर। ओके, दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज नोन एज रोटेशन। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो, रोटेशन क्या होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप का, W इज इक्वल टू Z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, सिंपल डेफिनेशन, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन, इज कॉल्ड रोटेशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा अभी। ओके, तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको कहूंगा मैं रोटेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि W इज इक्वल टू दे रखा है Z e की पावर आल्टा 4, फाइंड आउट द रीजन R डैश इन W प्लेन। W प्लेन के अंदर आपको एक रीजन कैलकुलेट करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन। एक ट्रायंगुलर रीजन के कोरस्पॉन्डिंग में W प्लेन के अंदर आपको दूसरा रीजन कैलकुलेट करना है। और जो मेरा पहले वाला रीजन गिवन है वो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, x प्लस y इक्वल टू 1 है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ z प्लेन के अंदर आपको कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। आपको गिवन है ये डस्टबिन में जितना पड़ा ये भी निकाल दिया भाई। गिवन आपको क्या है भाई, x इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, और उसके पीछे देख उसके जो इधर किवाड़ है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, और क्या कह रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, z प्लेन की बात करता हूँ मैं, ये मेरा z प्लेन या एक्स वाई प्लेन है, x एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, अरे यार गलती कर दिया, y एक्सिस है, y एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 बोले तो ये, y इक्वल टू 0 बोले तो ये, x प्लस y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ सपोज दैट ये है। ये निकल कर क्या है आपके पास रीजन, देखना कैसे रोटेट होगा, आपके सामने रोटेट करूँगा, कौन सा प्लेन है, ये आपका है z प्लेन। ओके, गिवन आपको क्या है भाई, गिवन दैट W इज इक्वल टू आपके पास z इंटू e की पावर आल्टा पाई बाई 4। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो बेटा, e की पावर आल्टा थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस थीटा प्लस के आल्टा साइन थीटा। ये तो कहने वाली बात है, ये फार्मूला तो आप जानते ही हो, बस लिखने वाली बात थी और कुछ नहीं है। और ये भी आपको बताया कि W इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस के आल्टा V होता है, और Z इज इक्वल टू क्या होता है, X प्लस के आल्टा Y होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग ऑल द वैल्यू इन गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन गिवन मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, इन गिवन गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने वैल्यू पुट कर दी भाई, ये मेरे पास निकल कर क्या यू प्लस के आल्टा वी इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, एक्स प्लस के आल्टा वाई आपके सामने है, और एक्स प्लस आल्टा वाई के बाद ये अगली वाली वैल्यू निकली मेरे पास कोस पाई अपॉन 4 प्लस आल्टा साइन पाई अपॉन 4। इसी को आगे लिख रहा हूँ बेटा, यही लिख रहा हूँ मैं, यू प्लस के आल्टा वी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल कर क्या है बेटा, ये हुआ एक्स प्लस के आल्टा वाई, तो ये है कोस 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2 होती है, प्लस साइन 45 की वैल्यू भी आल्टा 1/√2 होती है, यानी मेरे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर क्या आया, एक्स प्लस आल्टा वाई तो ये निकला, √2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 + α/√2 यही निकला ना,
कुछ और तो नहीं निकला ना, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मैं इसकी अलग अलग वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ भाई मेरे पास रियल पार्ट क्या आता है और इमेजनरी पार्ट क्या आता है। आगे की तरफ चलते हैं भाई, तो देख लेते हैं यू प्लस आल्टा वी की वैल्यू कितनी है भाई। यहाँ से मेरे पास यू प्लस आल्टा वी की वैल्यू जो निकल करके आई, यू प्लस के आल्टा वी इक्वल टू निकला मेरे पास एक्स प्लस के आल्टा वाई और वन प्लस आल्टा अपॉन अंडर द रूट टू। सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका रिजल्ट देखता हूँ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ओके, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा ये निकलेगा एक्स अपॉन अंडर द रूट टू निकलेगा, जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा प्लस आयोटा एक्स अपॉन अंडर द रूट टू निकलेगा, जब आयोटा की गुणा करूँगा प्लस आयोटा वाई अपॉन अंडर द रूट टू निकलेगा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई अपॉन अंडर द रूट टू निकलेगा। आप इस चीज़ को जानते हो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है। ओके, तो मेरे पास यहाँ से कितना निकल गया बेटा, ये निकल करके आया सीधा u प्लस के आल्टा वी इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ से रियल पार्ट पहले एक बार लिख लूँ इसे, x अपॉन अंडर द रूट टू प्लस आल्टा x अपॉन अंडर द रूट टू प्लस आल्टा वाई अपॉन अंडर द रूट टू, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट टू। रियल पार्ट देख लो इसका, ये निकला u प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू, रियल पार्ट देखो एक बटे अंडर द रूट टू कॉमन ले लिया मैंने, एक तो रियल पार्ट ये है, दूसरा रियल पार्ट ये है, एक्स माइनस के कितना निकल गया, एक्स माइनस वाई निकल गया प्लस आल्टा अपॉन अंडर द रूट टू कॉमन ले लिया, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट कितना निकल गया बेटा, एक्स प्लस के वाई निकल गया। मैंने कंपेयर किया बोथ साइड, मैं कह रहा हूँ कि कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो u की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई बेटा, u इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला भाई, सीधा सीधा आपके पास निकला वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स माइनस के भाई। v की बात कर लेते हैं, v मेरे पास कितना निकला भाई, वन अपॉन अंडर द रूट टू एक्स प्लस के वाई निकला, क्लियर है ना। अब पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या दे रखा है आपको, आपको पॉइंट दे रखे हैं x इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू जीरो, पॉइंट दिए हुए हैं x इजिकल टू जीरो दिया हुआ है, y इजिकल टू जीरो दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू वन, x प्लस वाई इजिकल टू कितना दे रखा है वन। चलो भाई जब x इजिकल टू जीरो और y इजिकल टू जीरो है, रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है, जब x इजिकल टू जीरो है उस पर रिजल्ट देखता हूँ, x इजिकल टू जीरो u इजिकल टू कितना निकल गया बेटा, माइनस y अपॉन अंडर द रूट टू, और v इजिकल टू कितना निकल गया, y अपॉन अंडर द रूट टू, सेम वैल्यू, यानी u इजिकल टू कितना निकल गया, माइनस के v। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, u बराबर माइनस v निकल गया। अगेन जब इक्वेशन नंबर a मान लो इसको, अगेन वैन y इजिकल टू कितना है, ज़ीरो है, तो u इजिकल टू कितना निकल गया बेटा, x अपॉन अंडर द रूट टू बना, और v इजिकल टू कितना बना, x अपॉन अंडर द रूट टू बना, तो जाहिर सी बात है दोनों रिजल्ट बराबर है, u बराबर v निकल गया, कितना निकल गया, u इजिकल टू v, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन v। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगेन अगेन वैन एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना है वन, देन
यू की बात कर लेता हूँ भाई, यू इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, यू तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, वी कैलकुलेट हो जाएगा। वी इज इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन अंडर रूट टू, समझने की कोशिश करो आप। वी इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन पर वी इज इक्वल टू कितना हुआ, वन अपॉन अंडर रूट टू। ये हुआ आपके पास वन अपॉन अंडर द रूट टू, यहाँ वैल्यू डालो आप। ग्राफ की बात कर लेते हैं भाई, अब समझने की कोशिश करना आप, देखें कैसे रोटेट होगा। देखो बेटा आपके पास सिचुएशन क्या थी और क्या निकल करके आया, पहले क्या थी मेरे को नहीं पता, ये तीन इक्वेशन निकल करके आई, सपोज दैट ये सी है, ए बी और सी उठाओ मैं, ये हुआ मेरा डब्लू प्लेन, सपोज दैट दिस इज माई डब्लू प्लेन, ये जगह ग्राफ यहाँ बना देता हूँ यार, बीच में यहाँ बना रहा हूँ यार, क्यों पेपर पेपर ख़राब करा, छोटा सा तो ग्राफ ही होगा। देखो बेटा पहले वाला क्या है, यू बराबर वी है, दूसरा यू बराबर माइनस वी है, ये मेरा डब्लू प्लेन है, दिस इज माई डब्लू प्लेन, ये तो हुआ यू, ये हुआ वी, ये हुआ ओरिजिन पॉइंट। कह रहा है कि यू बराबर वी, यू बराबर वी का ग्राफ तो ये होगा भाई, दूसरा कितना यू बराबर माइनस वी, आपको भी देख रहा है इसका ग्राफ यू बराबर माइनस वी ये होगा। वी इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन रूट टू, सपोज दैट वी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ये है वी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ये है देखो आप डाल करके वी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, और ये सब बता रहा हूँ आपको, वी इज इक्वल टू कितना है वन अपॉन अंडर रूट टू, ये निकल गया ना आपके पास, ट्रायंगल रोटेट हुआ ना। पहले ट्रायंगल क्या निकला हुआ था, पहले वाला ट्रायंगल देखो, पहले वाला ट्रायंगल आपका ये निकला हुआ था, अब की बार ट्रायंगल आपका क्या निकल गया, ये निकल गया ना, जाहिर सी बात है रोटेशन आ चुका, रोटेट हो चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल हेल्प यू, ओके। तीसरे वाला एक और भी है, उसको अगले वाले लेक्चर के अंदर देखते हैं, वरना लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ओके। और हाँ एक बात और भी, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, किसी को आना आया हो नहीं आते ना आओ भाई, मेरे पास भी फैमिली है, मेरी भी वही ज़रूरतें हैं जो आप सबकी हैं, फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बुरा लग रहा है तो और भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, बाय।